गाइस, अगर आपसे कहा जाए कि यार एक पेपर लो, लिखो वो गेम्स जो प्लेस्टेशन 4 पे हमेशा से टॉप एंटिसिपेटेड या टॉप मोस्ट अवेटेड गेम्स रही हैं, तो मेरे दिमाग में तो दो ही नाम आते हैं। एक तो जब गॉड ऑफ वॉर 4 रिलीज होने वाली थी, जिसको हम सिर्फ गॉड ऑफ वॉर 2018 कहेंगे, और ऑब्वियसली वो है भी गॉड ऑफ वॉर 4 नहीं है वो, और उसके बाद है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, लास्ट ऑफ अस का सीक्वल। तो यहाँ पे ये दो गेम्स जो हैं जिनके लिए लोगों की क्रेजीनेस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो वेट नहीं कर पा रहे हैं कि लास्ट ऑफ अस 2 कब उनको खेलने को मिलेगी। और ऐसा होना ऑब्वियस भी है गाइस, क्योंकि द लास्ट ऑफ अस जो थी, जो पहले आई थी 2013 में प्लेस्टेशन 3 पे, बहुत 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 धमाल मचाया था उस गेम ने, क्योंकि बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था। एक ऐसी स्टूडियो की तरफ से जो हमेशा से टॉप पे रहा है, अनचार्टेड सीरीज के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है नॉटी डॉग, और ये दोबारा लेके आ रहे हैं द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 को हमारे सामने। और गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, मेन बातें। सबसे पहली बात ये है गाइस, जोल एंड एली जो पहले गेम में आपके प्रोटैगनिस्ट थे, जिनके थ्रू आप पूरी गेम को एक्सपीरियंस करते हो, दे विल रिटर्न इन द मेन लीड कैरेक्टर्स इस गेम में भी। और दूसरी चीज़ ये गाइस, ये गेम सेट होगी 5 साल बाद पहली गेम की, जो पहली गेम के इवेंट्स थे, जहाँ पे पहली गेम एंड होती है, उसके 5 साल बाद की स्टोरी शुरू होगी इस गेम में। तीसरी चीज ये गाइस, ट्रॉय बेकर एंड एशली जॉनसन, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों ने वॉइस दी है जोल एंड एली की रियल वर्ल्ड में। तो जो भी आप वॉइस सुनते हो वो इन दोनों की ही वॉइस होती है, एंड दे आर रिटर्निंग फॉर जोल एंड एली। जिन्होंने पहला पार्ट खेला है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फायर फ्लाइज आर गोइंग टू रिटर्न इन दिस गेम। अगला पॉइंट है गाइस कि जो पहली गेम बनाई गई थी वो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक जॉम्बी एपोकलिप्स गेम है, लेकिन इसमें जो जॉम्बीज या जो भी इन्फेक्शन आपको दिखाया गया है, दैट इज नॉट अ वायरल इन्फेक्शन, वो वायरस से नहीं फैलता, वो फैलता है एक फंगल इन्फेक्शन से। तो वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में, और कुछ इस तरह की स्टोरी है कि वो फंगल इन्फेक्शन अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, यानी कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। हालांकि जब फर्स्ट पार्ट मैंने खेला था तो उसमें ही मुझे जॉम्बीज जो थे इतने एग्रेसिव लगते थे, मुझे डर लगता था खेलते हुए, बट इस पार्ट में पता नहीं किस हिसाब से एनिमेशन और किस हिसाब से उनका एग्रेसिवनेस हमें देखने को मिलेगा। एक और चीज़ जो ट्रेलर से कन्फर्म हो जाती है वो ये है कि एली इज़ अ लेस्बियन इन दिस गेम। तो एली की जो पार्टनर होती है, उसने अपना एक लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया होता है, जो एक गर्ल होती है। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस तरह से इसको प्ले किया जाएगा पूरी गेम में। क्या आप अपनी जो मतलब एली होती है वो मेन कैरेक्टर होगी, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है क्या वो दोनों साथ में होंगे, जैसे पहली गेम में जोल एंड एली साथ में हमेशा रहते थे पूरे गेम प्ले के थ्रू। और यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या एली एंड जो उसकी पार्टनर होती है उन दोनों के साथ पूरा गेम प्ले होगा, या फिर जोल एंड एली ही रहेंगे मेन कैरेक्टर लीड्स में। और गाइज, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि गेम के ट्रेलर्स अवेलेबल हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं करे हैं तो प्लीज़ जाके चेकआउट ज़रूर कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने ट्रेलर्स द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना। अब इसके बाद आते हैं गाइज मेन डिस्कशन पे कि द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 कब रिलीज़ होगी। गाइज देखिए, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, होनी तो चाहिए 2019 के एंड में, क्योंकि दैट मेक्स सेंस। बात यह है गाइज कि प्लेस्टेशन 5 की बातें इतनी ज़्यादा होने लग गई हैं, सोनी ने भी इतने सारे हिंट्स दे दिए हैं कि इट इज़ 99% श्योर कि 2020 में प्लेस्टेशन 5 लॉन्च हो जाएगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2020 में अगर प्लेस्टेशन 5 आ रहा है तो 2019 में इस गेम को आना चाहिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि सोनी के पास इसके अलावा दो मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइंड अप हैं रिलीज़ होने के लिए। गाइज देखिए, इस साल सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आने जा रहा है जो कन्फर्म्ड है वो है डेज गॉन। डेज गॉन के बाद इसी साल अगर द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 आती है तो भी सोनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेथ स्ट्रैंडिंग और घोस्ट ऑफ सुशीमा ये कब रिलीज़ करनी है, क्योंकि ये गेम्स भी प्लेस्टेशन 4 पे आने के लिए पक्का कन्फर्म्ड हैं। तो अगर 2020 में रिलीज़ करते हैं ये द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 को, तो बाकी की जो दो गेम्स हैं इसका मतलब उनको भी 2020 में आना पड़ेगा। और गाइस, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतने मेजर ट्रिपल ए टाइटल्स हैं कि सोनी इनके साथ रिस्क नहीं ले सकता। और ये सारी गेम्स अपने आप में इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं कि एक एक गेम गेम ऑफ द ईयर हो सकती है। तो सोनी क्यों वेस्ट करना चाहेगा अपनी चॉइसेस को
एक साथ रिलीज करके, एक ही साल में रिलीज करके, और इससे उनकी प्रॉफिट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो होना ये चाहिए कि अगले कुछ दिनों में हमें द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 से रिलेटेड कोई मेजर न्यूज सुनने को मिल सकती है और 2019 में ही उसकी रिलीज डेट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 कब रिलीज हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और साथ में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।